ख्वाजा साहब के दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवानी का दो रोजा सालाना उर्स जुमेरात को कुल की रस्म के साथ मुकम्मल हो गया। उर्स में शिरकत करने देश विदेश से भारी संख्या में जायरीन अजमेर पहुंचे। जायरीनों की आमद से अजमेर रेलवे स्टेशन सहित दरगाह और दरगाह के आसपास गोशा गोशा आबाद रहा। जायरीनों की चहल पहल से दुकानदारों को भी अच्छी कमाई हुई। दरगाह में हर तरफ अकीदतमंदों का हुजूम आस्था की चादर और फूल सर पर लिए जियारत करता दिखा। ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसकी महफिल खाने में और दरबार आलिया के अंदर भी मुनाकिद की जाती है। वो महफिलें हो रही हैं। अल्लाह ताला आने वाले दायरों के मकसदों में कामयाबी और बरकत अता फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे। हम दुआ करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ घी शक्कर की तरह सारी कौमें एक साथ। इस दौरान दरगाह में जन्नती दरवाजा भी अलसुबह ही खोल दिया गया। वैसे तो ख्वाजा साहब के गुरु अरब मुल्क के रहने वाले थे और उनकी मजार मुबारक मक्का में जन्नतुल माला अरब के सरजमी पर है, जहां तंग दस्त लोगों का जाना मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए दरबार गरीब नवाज में हर साल ईद के 5 दिन बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवानी का उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इनका मजार मदीना शरीफ में तो बरसों से यहां मनाया जाता है। इनके उर्स के उपलक्ष में हजारों की संख्या में जायरीन विभिन्न हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से यहाँ आए हुए हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हाँ महफिल खाने भी हो रही है। दरगाह के चारों तरफ हो रही है। शिजरा खानी पड़ी जा रही है। चिश्तिया सिलसिले का शिजरा पड़ा जा रहा है। तो कई लोग बड़ी संख्या में रोज़ा भी रखते हैं, आज रात जाग के इबादत भी करते हैं। दुनिया में अमन शांति और मोहब्बत कायम रहे, इंसानियत कायम रहे, उसके लिए दरबार गरीब नवाज में दुआ करी जाएगी। इस मौके पे हिंदू मुसलमान सिख धर्म के ईसाई धर्म के सब धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबके लिए हम लोग दुआ करते हैं। गरीब नवाज सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का उर्स आप सबको मुबारक। वही जुम्मेरात को ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में छठी शरीफ भी मनाई गई, जिसके चलते दरगाह बाजार और आसपास मेले सा माहौल रहा। ख्वाजा साहब ने अपनी अकीदत बयां करने देश भर के अनेक प्रांतों से हजारों की संख्या में अकीदत मंसर पर चादर और दिल में कुछ पाने की ख्वाहिश लिए आस्ताना औलिया में पहुंचे और पीरो मुर्शिद से अपनी दुआ कबूल होने की दुआ की। इस पवित्र मौके पर छठी की नियाज और ख्वाजा साहब के पीर का उर्स एक साथ मुकम्मल हुआ। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारवानी के मनाए जा रहे उर्स और ख्वाजा साहब की महाना छठी के चलते शहर में जायरीनों की भारी आमद हो रही है। अजमेर के हृदय स्थल कहे जाने वाले स्टेशन रोड और मदार गेट सहित दरगाह की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ होने के सबब शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा सी गई है। वहीं यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात दुरुस्त करने में पसीने छूट गए। स्टेशन रोड से लेकर कचेरी रोड, गांधी भवन चौराहा, पृथ्वीराज मार्ग और मदार गेट पर दिन भर जाम के हालात राहगीरों सहित वाहन चालकों को हैरान परेशान करते रहे। आम आदमी पैदल नहीं निकल सकता, बुजुर्ग आदमी और बच्चे जो स्कूल से आते हैं एक्सीडेंट होने का भयंकर डर रहता है। कृपया ये जो थैले खड़े हैं इनको व्यवस्थित ढंग से खड़े करें या इनको हटाया जाए। व्यस्त मार्केट है, कभी भी दरगाह जाने के लिए पब्लिक निकलती है, कोई भी कांड हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। अजमेर के लिए दुर्भाग्य है कि एक व्यस्त मार्केट में कोई पुलिस और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अरू भाई, मैं अभी नला बाजार में खाना देने गया था दुकान में, मगर इतनी भीड़ थी, मैं आधे पौन घंटे थे तो स्कूटर को हॉर्न बजा बजा के परेशान हो गया। एक तो स्कूल की छुट्टियों से ऑटो में जो बच्चे हैं वो ऑटो ने जाम कर दिया। आधा पौन घंटा केवल नला बाजार से यहाँ तक मेरे को पहुँचने लगा। मदार गेट मेला भी चल रहा है इनका उर्स का, उसकी पब्लिक बहुत ज्यादा है। वो 2 दिन से तो इतनी पब्लिक है जिसकी हद नहीं, मेले से भी ज्यादा पब्लिक इस बार हुई है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लापरवाही गुरुवार को मदारगेट बाजार में देखने को मिली। विभाग के तरफ से 5 घंटे के लिए किए गए शटडाउन के बाद भी 9 घंटे तक लाइट्स बंद रखे जाने से नगर के मुख्य बाजार के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। व्यापारियों ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारवानी का उस ख्वाजा साहब की महाना छठी के दिन भी एवीवीएनएल ने शटडाउन लिया, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक हानि तो उठानी ही पड़ी, साथ ही भीषण गर्मी के चलते जायरीनों और व्यापारियों को परेशानी भी हुई। गौरतलब है कि व्यापारियों ने बाजार में बंदरों के आतंक के चलते बिजली के पोल टेढ़े होने और बिजली के तार दुकानों की छत पर छूने लगे थे, जिसकी शिकायत विभाग को की गई थी, लेकिन विभाग ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिए बगैर गुरुवार को ही शटडाउन लेकर पोल सीधे करना शुरू कर दिया, जबकि इस दिन बाजार में भारी भीड़ मौजूद रही। पोल पुराना वो गिरने वाला था, बंदर हिला रहे थे, परेशानी थी, कब को हादसा हो जाए कोई अचानक, और क्या आज उन्होंने बोला उनको विद्युत विभाग वाले को, फिर वो आए, उन्होंने देखा, इनको निरीक्षण किया। मदारगेट के एरिया है, सुबह 7 बजे से यहाँ लाइट गई हुई है, और आज अगर देखा जाए तो छठी का माहौल है, छठी दुर्गा शरीफ की आज दरगाह की मतलब वो है, तो इसके आगे आज सरकार की तरफ से लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी या साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, ताकि जो भी बाहर से मेहमान आ रहे हैं दरगाह जियारत के लिए कोई उनको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आज देखिए प्रशासन की तरफ से सुबह 7 बजे से ही लाइट गई हुई है, जो भी बाहर से रहने आया हुआ है वो सब गर्मी में जूझ रहे हैं, और जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी तो बहुत ही हालत खराब है। वहीं विद्युत विभाग के ठेकेदार सुशील कुमार लोढ़ा ने बताया कि छठी शरीफ की भीड़ और बारिश की वजह से पोल को शिफ्ट करने में समय ज्यादा लग गया, जिसके कारण 4 घंटे का काम ज्यादा चला। फिलहाल बिजली के पोल को दुरुस्त कर दिया गया है। 8 से 12 बजे अभी टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे होंगे, तो बारिश आ गई तो फिर कैसे काम होता, और फिर बाजार ही भरा हुआ है, क्रेन आई, क्रेन से खड़ा हुआ कोई वो तो है नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 10 मिनट में चालू हो रही है।